Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगी कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया, पीएम मोदी की बैठक में फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। इसके अनुसार 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 27 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। आप सबको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसके बाद वैक्सीनेशन की फाइनल डेट का ऐलान हुआ। इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। खबर है झारखंड के धनबाद से। 3-3 IPS अधिकारियों के बावजूद धनबाद में नहीं थम रहे हैं अपराध। CM हेमंत सोरेन से मिलेंगे व्यवसाय। धनबाद में एक नहीं बल्कि 3-3 IPS अधिकारी हैं, इसके बावजूद अपराध कम नहीं हो रहा है। वीडियो कॉल कर कभी सुजीत सिन्हा गैंग, कभी अमन गैंग तो कभी चूहा के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है। 2 माह बीत गए पर एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। रंगदारी के साथ छिनतई, चोरी, डकैती की घटनाएं भी बढ़ रही है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। धनबाद की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पंगु हो गई है। ये पीड़ा धनबाद फेडरेशन ऑफ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में सामने आई। इस बाबत चैम्बर का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा। अब व्यवसायियों ने कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर CM हेमंत सोरेन से मिलने का निर्णय ले लिया है। झारखंड में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई। कुल मृतकों की संख्या पहुंची 1043। झारखंड में पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि इस रोग के 207 नए मामले भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की शुक्रवार रात्रि जारी रिपोर्ट के अनुसार नए आंकड़ों के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1043 हो गई, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 116,436 हो गई है। झारखंड में कोविड-19 के अब तक 113,928 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1465 संक्रमितों की इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए झारखंड के सभी जिलों में शुक्रवार को कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इसको लेकर पूरे झारखंड में 275 वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे। झारखंड के सरकारी स्कूलों के लिए पहली बार बना एकेडमिक कैलेंडर, राज्य स्तर पर किया गया है तैयार। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पहली बार राज्य स्तर पर एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। JCERT ने 2021-22 सेशन के लिए तैयार किए गए इस कैलेंडर में पढ़ाई के साथ साथ पूरे साल स्कूलों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं, खेलकूद व अन्य गतिविधियों की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक यह एकेडमिक कैलेंडर फरवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा और सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। खबर है झारखंड के चाईबासा से। चाईबासा पुलिस की कार्रवाई में फॉरेस्ट बिल्डिंग ब्लास्ट के आरोपी 2 नक्सली गिरफ्तार, कई और कांडों में थे संलिप्त। पुलिस ने गोयल केरा थाना क्षेत्र के संसांग साल से भाकपा माओवादी संगठन के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को सहायक पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने बताया कि दोनों ही बरकेला में फॉरेस्ट बिल्डिंग ब्लास्ट में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही ये दोनों IED बम लगाने और विस्फोटक करने समेत कई अन्य घटनाओं में भी आरोपी रहे हैं। दोनों ही मोछू उर्फ महंत और सागेन अंगरिया के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में राज्य भर के मौसम की बात करें तो हर जगह का न्यूनतम तापमान सामान्य से औसत 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। सबसे अधिक रांची का 7.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। जमशेदपुर का 6.4 डिग्री सेल्सियस तो बोकारो का 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान से अधिक चल रहा है। केवल चाईबासा का तापमान सबसे कम यानी कि 15.0 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। खबर है झारखंड के दुमका से। तिल की खुशबू से महक उठा है दुमका का बाजार। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही दुमका में तिलकुट का बाजार सजने लगा। 3 बाजार चौराहे से लेकर नीचे बाजार तक तिल की सौंधी खुशबू मकर संक्रांति के करीब होने का एहसास करा रहा है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने की परंपरा है, लेकिन इस तिथि में भी अब आंशिक फेरबदल होने लगी है। हालांकि इस वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति है।
खबर है झारखंड के पाकुड़ से। युवाओं के हित में नहीं हो रहा है काम। आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में शनिवार को शिक्षित बेरोजगार युवा मंच महेशपुर इकाई की बैठक हुई। इसमें जिला अध्यक्ष अमरदीप गोस्वामी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में सरकार विफल है। जिला बेरोजगार युवा मंच के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरदीप गोस्वामी पिछले 4 वर्षों से युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अमरदीप युवाओं को रोजगार देने को लेकर युवाओं से पैसा लिया था, परंतु अभी तक कोई कार्य नहीं किए हैं। जिला उपाध्यक्ष श्रवण कुमार ने कहा कि 3 महीने के बेरोजगार युवाओं को विद्युत विभाग, कोल कंपनी और अन्य संस्थान में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बैठक में जिला सचिव बेंजामिन बास्की, जिला उपाध्यक्ष श्रवण कुमार, प्रखंड सचिव मनोज कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष शेख अब्दुल्ला, कुणाल चौधरी, आर्यन राज, मोहम्मद मकसूद आलम, राकेश चेतन मंडल, लालू भंडारी, दीपक भंडारी, विनय विश्वजीत नरगिस लोग थे। खबर है झारखंड के लातेहार से। गोदाम में जगह नहीं, खरीदारी बंद, किसान भी परेशान। किसानों की पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अखबार में लगातार खबरों के प्रकाशन के बाद 14 दिसंबर 2020 से प्रखंड के सरकारी धान क्रय केंद्र में धान की खरीदारी शुरू हुई। सिस्टम में आई पेच के कारण लोग इधर धान बेचते रहे। धान का अधिक दाम मिलने की आस में कुछ अन्य किसानों ने निबंधित भी कराया था। धान की खरीदारी कुछ दिन ही हुई कि गोदाम भर गया। धान के भंडार में असुविधा को देखते हुए फिर धान क्रय करना बंद कर दिया गया। इसके बाद धान क्रय केंद्र पहुंचे किसानों को धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक चंदवा लैंप्स के 208 निबंधित किसानों ने तथा लाधुप लैंप्स में 126 निबंधित किसानों में धान की खरीदारी है। अन्य निबंधित किसान धान की बिक्री के लिए गोदाम के खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। खबर है झारखंड के पलामू से। जिला स्थापना समिति ने 26 चतुर्वर्गीय कर्मियों को किया है बर्खास्त। जिला स्थापना समिति ने जिले के विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए 26 चतुर्वर्गीय कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार इनकी नियुक्ति की समीक्षा के बाद सभी से प्राप्त स्पष्टीकरण आधारहीन व असंतोषजनक पाया गया था। समिति ने सभी संबंधित नियुक्ति पदाधिकारियों को सभी विलंबित कर्मियों को अपने स्तर से उनके निलंबित तिथि से सेवामुक्त करने का तत्काल आदेश निर्गत कर दिया है। खबर है झारखंड के धनबाद से। सरकार ने जारी की अधिसूचना। शहरी जलापूर्ति व्यवस्था अब निगम के हवाले, पानी सप्लाई के साथ मेंटेनेंस भी करना होगा। शहरी जलापूर्ति व्यवस्था जल्द नगर निगम के हवाले होगी। पानी सप्लाई से लेकर पाइप रिपेयरिंग का काम भी निगम के ही जिम्मे होगा। शहरी जलापूर्ति व्यवस्था से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सरकार ने पूरी तरह से अलग कर दिया है। राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 में शहरी जलापूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह नगर निगम को लेने का आदेश दे दिया है। सरकार ने जारी अधिसूचना में साफ कहा है कि शहर की जलापूर्ति व्यवस्था नगर निगम या फिर जुड़को के हवाले होगी। अपने फार्म हाउस में उगाई स्ट्रॉबेरी का मजा लेते धोनी, बोले बाजार के लिए एक भी नहीं बचेगी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है, इस तरह मैंने अपने खेत में आता रहा तो बाजार के लिए एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बचेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक 35 लाख से अधिक लोग इसे देख चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने पिछले साल 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। इसके बाद वह चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में थे। आईपीएल खत्म होने के बाद से धोनी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। रांची प्रवास के दौरान वह अपने फार्म हाउस पर जैविक खेती में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में है भर्ती। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से देते हुए उन्होंने लिखा कि 2 दिनों से हल्का बुखार रहने पर कल कोविड-19 टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट दुर्भाग्यवश पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट आने के बाद रिम्स से क्वारंटाइन प्रक्रिया के लिए भर्ती हो गया हूं। अब आप सभी के आशीर्वाद से जल्द ही स्वस्थ होकर आप सभी के बीच लौटूंगा। 2 दिनों से हल्का बुखार रहने पर कल कोविड-19 टेस्ट कराया, जिसका रिपोर्ट दुर्भाग्यपूर्ण पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।